हमारे यहाँ की शॉपिंग डन हो गई है और हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपनी कार का। और ये रही यहाँ का भीड़, बाप रे ये तो एवरीडे की भीड़ है। और पीछे है घंटाघर। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूनम सिंह स्टूडियो। आज हम लोग फिर निकल रहे हैं मार्केट के लिए, कुछ किचन का सामान वगैरह बाई करना है और फिर और भी कुछ सामान देखेंगे। जब मार्केट निकलेंगे तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो चलिए आज आप सबको लेकर चलती हूँ प्रयागराज के चौक मार्केट में और इसके बाद सिविल लाइंस। चलिए चलते हैं मिस्टर सिंह। मैं भी चल रहा हूँ। हेलो तो बोल दीजिए। और दीदी भी आ रही है, कहाँ गई? तो चलिए निकलते हैं अभी। चलो तो हम सारे लोग निकल लिए हैं मार्केट के लिए। कितना शोर होता है, बहुत पूरे टाइम, जरूरत से ज्यादा, बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा होगा। मतलब आवाज नहीं सुनाई देती एक दूसरे की। वो कार्ड वहीं पड़ा हुआ, अभी ले लूंगी बैठकर। दे बैठे, मैं उधर से बैठ जाऊँ। नहीं इधर ही सही। ओके, कोतवाली के पास, कोतवाली के आगे जो नीम का पेड़ है ना बड़ा वाला, वहीं रोक देंगे, वहीं काम है। आपको चौक जाना पसंद ही नहीं है? गाड़ी में बैठे रहेंगे। मजबूरी है, मजबूरी है, अभी जाना मजबूरी है, साथ देना है। शॉप पूरी बाहर तक लगा के रखा हुआ है। शादी का पूरा यहाँ पे पगड़ी वगैरह जो भी है सब मिल रहा है, बास्केट वगैरह। और ट्रैफिक वगैरह, यहाँ तो पैदल निकलना ही मुश्किल है। गाड़ियाँ किधर जाएंगी? देखा ठेला कितना आगे लगाए हैं। बाबू जी इधर मत बुलवाइएगा, हम जहाँ बोलेंगे वहाँ पे आप आ जाइएगा। ठीक है, अपने YouTube पे डालूंगी। इससे बड़ा भी आता है, ये वाला कलर,
के बड़ा भी आता है, बड़ा भी मिल जाएगा आपको, ले सकते हैं वीडियो में। हाँ कई प्रचार होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस यहाँ का काम हो गया, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और चलते बर्तन की दुकान पर। एक जगह गई थी तो वहाँ पे मेरा सामान मिला नहीं, तो जा रहे हैं दूसरी जगह पर। सो गाइस हमारी यहाँ की शॉपिंग डन हो गई है और हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपनी कार का। और ये रही यहाँ का भीड़, बाप रे ये तो एवरीडे की भीड़ है। और पीछे है घंटाघर मुझे लग रहा है, आवाज़ यहाँ आनी तो बड़ी मुश्किल है। तो चलिए मैं आप लोग को मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। भाई चौक की भीड़ यहाँ रहती थी बट आज जैसी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी थी यहाँ पर। मे बी अब यहाँ का डेली का हो गया होगा बट मेरे लिए फर्स्ट टाइम था इतनी ज़्यादा भीड़। गाड़ी तो यहाँ कहीं खड़ी करने की जगह नहीं थी। पार्किंग सबसे बड़ी चीज़, पार्किंग यहाँ नहीं बना है, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं और पार्क करने की जगह ही नहीं है। उनकी थी सब दुकानदार अपनी दुकान के सामने गाड़ी लगा देते हैं। हाँ उनकी गाड़ी थी, वो कोई गाड़ी खड़ी नहीं। तो गाइस हमारा अभी चौक का काम फिनिश हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं PVR मॉल, वहाँ पर किसी से मीटिंग करनी है। ये डाट का पुल है, तिरंगा झंडा बना दिया है। तो आज हमने अच्छे से चाट भी खा लिया, शॉपिंग भी ढेर सारी कर ली और अब वापस हम लोग। टेस्टी था आज का गुपचुप, टेस्टी था। हाँ मजा आया, पांच फ्लेवर पानी लाया और सस्ते हुए। पानी पूरी के पांच फ्लेवर थे। हाँ तो कल मैं बता रही हूँ। पानी पूरी भी खा लिया है, ढेर सारी शॉपिंग भी कर ली और अब वापस हम घर जा रहे हैं। कल को लड़की की चाय काफी फेमस है, वो वाली तंदूरी चाय, वो अलग है। एक हम लोग क्या चल रहा है, मुल्ली तुल्य चाय। मुल्ली तुल्य क्या होता है पता नहीं, बोलते चाय बढ़िया रहती है हमारे बहुत सारे। अभी हम लोग घर पहुँच गए हैं और अब चलते हैं किचन में, देखती हूँ क्या बन रहा है आज स्पेशल। आज दोनों लोग किचन में लगे हो, क्या स्पेशल बन रहा है? मटर टमाटर कौन सा? भरवा टमाटर। वाओ उसके साथ। ओ ये वाली सब्जी, वाओ सही है। और तशरी टमाटर। सो फ्रेंड्स आज बन रहा है डिनर में स्टफ टमाटो, रोटी चावल और अभी हम बना रहे हैं चाय, क्योंकि अभी शाम की चाय हमने पी नहीं है तो सबसे पहले हम चाय पियेंगे। खाने बैठ गई चलिए मैं चाय लेकर आती हूँ। गाइस हमारी चाय हो गई है रेडी और मिस्टर सिंह बैठ गया, शुरू हो गया है, मेरा वेट भी नहीं किया। मेरी चाय नहीं, ये वाली कम वाली चाय दीदी की है, ले लो आप। आपकी ये है शुगर की? हाँ जी। और ये मेरी है शुगर वाली। ये है मेरी चाय। चीयर्स गाइस, करिए चीयर्स दोनों लोग। हे गाइस मैं आज क्या शॉपिंग करके लाई हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को दिखा देती हूँ कि ये है मेरी शॉपिंग। ये है कुछ सूट वगैरह है और ये है कढ़ाई लेकर आई हूँ, अभी मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ। मैं भी सूट लाई हूँ, सब में से एक एक डिज़ाइन आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये है फ्रॉक स्टाइल का लखनऊ हुआ सूट। और है एक फ्रॉक स्टाइल के मैं चार लाई हूँ, जिसमें दो मेरे हैं दो दीदी के हैं। और ये है सिंपल वाले जो सीधे साधे होते हैं, ये वाले
तो ये भी मुझे लगता है 4 या 5 दीदी लेकर आई अपने लिए, और उसमें उनकी बेटी के लिए भी एक है। अच्छा ऐसे दिखा देती हूँ, ये देखिए ये सारे फ्रॉक स्टाइल वाले हैं, ये भी फ्रॉक स्टाइल का है, ये सिंपल है, सेम सेम कलर के हैं दो, एक मेरे दीदी के। और दिखा देती हूँ, ये है दीदी अपने लिए लेकर आई है ढेर सारे लखनऊ से, उनकी बेटी के लिए है, ये भी है दीदी का। हाँ अब मैं दिखाती हूँ ये जो हम PVR मॉल से लेकर आए हैं, ये दोनों के दो दो पीस हैं, एक मेरा एक दीदी का, एक मेरा और एक दीदी का। और एंड में मेरे किचन का वैसे एक आइटम मिला, वो है ये अच्छी सी कढ़ाई, ये वाली कढ़ाई। और भी एक दो आइटम मुझे लेने थे लेकिन वो मिल नहीं पाए, तो मैं ये दिखा देती हूँ आप लोगों को खोलकर। तो गाइस ये वाली मैं कढ़ाई लाई हूँ, और इसके साथ ये ढक्कन है इसका, और काफ़ी सॉलिड है। शॉपकीपर ने बोला है कि इसमें कोई भी कुकिंग करेंगी तो वो जलेगा नहीं, तो मुझे अच्छा लगा, और देखने में आइडिया लग ही रहा होगा सॉलिड होगा, कुछ तो नाम बताया था बट मुझे अभी याद नहीं है, जो भी है बट अच्छा है। तो ये है हमारी आज की शॉपिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। या यम्मी यम्मी डिनर कर रहे हैं आप अकेले अकेले? बहुत टेस्टी है, यहाँ का टमाटर का जो है उसकी सब्जी की टेस्ट बहुत अच्छा है, तुम बनाते हो स्टफ टमाटो उससे बहुत डिफरेंट है। हाँ तो यहाँ टमाटर वगैरह अच्छे मिलते हैं ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है नेक्स्ट डे और मैं कल की वीडियो फिनिश नहीं कर पाई थी, तो वो वीडियो मैं आज फिनिश करूँगी। और उसके पहले मैं आपको दिखाती हूँ मिस्टर सिंह क्या कर रहे हैं, कल रात में खाते हुए ही थे और आज फिर सुबह खाते हुए ही नजर आ रहे हैं। जी गुड मॉर्निंग, क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग क्या खा रहे हैं आप? सुबह का बादाम खा रहा हूँ, बादाम है, बाकी खा गया मिर्ची, मेथी है ना, अखरोट खा गया। गुड बढ़िया, बादाम खा रहा। अच्छा और आज मम्मी जलेबी का ब्रेकफास्ट करा रही कह रही है तुम लोग चले जाओगे तो मिलेगा नहीं, इंडिया का ही है, गर्मा गर्म मिलेगा आपको जलेबी खाने को। मैंने कहा चलिए बहुत सालों बाद आप भी टेस्ट कर लीजिए। क्या हो रहा है नानी की तैयारी? जा रही हूँ बादाम खाने। बादाम क्या बात है, उधर ही है। ओके ले लो। सो मम्मी ने ये मंगवाया है जलेबी और ये अच्छे दही, अब इसको मैं लगा लेती हूँ। हाँ हाँ डाल लीजिए। मुझे आइडिया नहीं है, बस ठीक है लीजिए दही जलेबी खाइए। आज परमिशन है खाने की? परमिशन तो कभी नहीं रहती बट आए हैं तो मज़ा ले लीजिए इंडिया का। अच्छी है जी दिल्ली वाला, एकदम फ्रेश है ना, जो हम वो खरीदते हैं उसमें मज़ा नहीं है। तो वो प्रिजर्व किया होता है, ये फ्रेश अभी तल कर दे रहा है। जो ये भी मजा आ गया, इंडिया की बात ही कुछ और है और यहाँ के खाने पीने की फ्रेश मजा आ रहा। और क्या खा रही हूँ, दही नहीं लियो? पहले प्लेन ट्राई कर रही हूँ, उसके बाद दही डालकर ट्राई करूंगी। Okay. बहुत से लोग रबड़ी के साथ भी खाते हैं, बहुत जगह पर दूध में भी देते हैं। सो गाइस मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, बहुत सालों बाद मैंने ये जलेबी और दही खाया, बड़ा मजा आया। और इंडिया का खाना, इंडिया का घूमना, मज़ा ही आ जाता है आकर। तो चलिए आज की मैं मेरी वीडियो यहीं फिनिश करती हूँ। एक्चुअली ये वीडियो मेरी कल से चल रही थी, कल एंड नहीं किया था मैंने, तो आज फिनिश करती हूँ। तो मैं मेरी आज की वीडियो यहीं फिनिश करती हूँ और आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर गाइस।